नमस्कार, मैं विजय। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गोदी। किसान 10 महीने से ऊपर दिल्ली की चौखट पर बैठे। मोदी सरकार अपने मन की बात तो कर रही है, लेकिन किसानों के मन की बात से वो बिल्कुल दूर है। ऐसा ही एक खेल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जहां यह माना जा रहा है कि आढ़त के जरिए खरीद को योगी सरकार ने रोक कर छोटे किसानों की कमर तोड़ दी। महामारी अपनी जगह है और खरीद फरोख्त के इस हाल में हुए पूरा का पूरा मामला उल्टा पड़ रहा है। अगर बात माने जितने भी राइस मिल के एसोसिएशन है, उन्होंने जब सरकार से अपनी बात रखी तो सरकार ने तो यह साफ करते हुए बिल्कुल अपने आप को पाक साफ कर दिया कि योगी में राम राज है। यूपी का अपना राम राज योगी द्वारा स्थापित कर दिया गया है और यह राइस मिल वाले लोग चोरी करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही मुद्दों पर कि आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर सीधे जनता का आम किसान से इसका क्या वास्ता है। राइस मिल एसोसिएशन के अमेठी जिला उपाध्यक्ष नीरज मिश्रा के साथ। नीरज मिश्रा राइस मिल चलाते हैं और किसानों से सीधे जुड़े हैं। इनके पास यहाँ के छोटे किसान जो 2-4-5 क्विंटल गेहूँ या धान बेचने की क्षमता रखते हैं वो आते हैं, तो जाहिर सी बात है यह आम लोगों की रसोई से उनके रसूख से जुड़ा हुआ मामला है। शायद योगी जी का राम राय इस पर जवाब दे, लेकिन एसोसिएशन की राइस मिल के लोगों की क्या सोच है ये नीरज से बात। नीरज, स्वागत है आपका लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में। तो क्या मामला है पूरा, कैसे चलती थी पहले खरीद करें? पहले जो यानी इससे पहले जो 4 साल पहले था, धान खरीद हुआ करती थी, उसमें हम लोगों को पावर कहती थी कि हम किसानों से डायरेक्ट MSP पर धान खरीद सकते। ठीक है, लेकिन वो बंद हो गई। जब बंद हो गई तो सीधे गवर्नमेंट खरीद किए धान, उस पर हमको बंद केंद्र सरकार ने किया, राज्य सरकार राज्य सरकार ने। ठीक है, तो अब जो है गवर्नमेंट राज्य सरकार धान खरीदती है, SMI खरीदते हैं, वो हमको धान देते हैं, हम उस पर 67 किलो चावल देते हैं FCI को। ठीक है, तो पहली बात तो 67 किलो चावल नहीं निकलता है, 60 किलो 58 किलो चावल निकलता है। 6-7 किलो जो है उसको हम लोग किसी तरह पूरा करके उनको देते हैं, भरपाई करते हैं। और जो कुटाई थी 35 साल पहले भी 10 रुपये कुंटल थी, वो आज भी है, जो कि लगभग 150 रुपये कुंटल से 250 रुपये कुंटल होनी चाहिए। मतलब 35 साल में 10 रुपये आज भी 10 रुपये कुंटल बढ़ा। तो सरकार से इस पर आप लोगों ने मांग की? हाँ, सरकार से हमारे जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं श्री UC मिश्रा जी, वो लगातार इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके तरफ से कोई सूचना नहीं मिली है कि सरकार इस पर क्या कर रही है। आढ़त की खरीद फरोख बंद करने से आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा? अब आम आदमी को ये फर्क पड़ेगा, पहली बात जो छोटे किसान हैं 10 कुंटल 15 कुंटल 20 कुंटल, वो सीधे सेंटर पर नहीं जा पाए, क्योंकि वो तुरंत चाहते बेचने के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या यही कि उनको फिर औने कोने में अपने गांव में ही किसी छोटे मतलब पार्टी होते हैं जिनको बेचना पड़ेगा, उससे उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। मतलब जो MSP का खेल है वो पहले ही खत्म हो जाता है, पहले ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी सेंटर पर वो पहुंच जाए तो सेंटर क्या खरीदने के बाद पैसा तुरंत नहीं देता है? नहीं, सेंटर पैसा तुरंत मिल जाता है, लेकिन वहाँ जिसके पास 10 कुंटल धान है वो वहाँ क्या करने जाएगा, लाइन में रहना पड़ेगा, उसके बाद उसकी खरीद होगी। यहाँ से खरीद फरोख्त का सेंटर कितना दूर है, अगर हम यहाँ से बात करें तो आपकी जगह से? यहाँ से 5 किलोमीटर पे एक है और 12 किलोमीटर पे। मतलब कम से कम किसान को 10 क्विंटल या 5 क्विंटल जो भी उसका अनाज होगा उसको लेकर 5 या 10 किलोमीटर सफर करना पड़ेगा। हाँ, सफर यानी उसको 12 किराया तो उसको देना ही पड़ेगा। हाँ, पहले फ़र्क क्या था, जैसे जब आढ़त खरीदते थे तो आढ़त क्या उनके घर से उठाता था या वो आते थे? नहीं, वो हमारे पास आते थे, उसका कोई टाइमिंग नहीं रहता था, जब वो आए जो MSP रेट रहता था उससे हम लोग सीधे उनके खाते में पैसा डाल देते थे, और बाद में जब FCI हम लोग चावल डिलीवरी करते थे कि वो पैसा सीधे हमारे खाते में आ जाता। तो इसका मतलब है कि किसी भी कीमत पर आप किसानों का पैसा नहीं मार सकते थे? नहीं, वो तो सरकार से सीधा एक आपका ट्रांसपेरेंट, इसलिए नहीं मार सकते थे क्योंकि RTGS जब पहले कर देते थे उसकी लिस्ट लगती थी, उसके बाद ही हमको पेमेंट मिलता था कि उस किसान को पैसा अगर हो गया है भुगतान तभी हमको पैसा मिलता। तो इसका मतलब है ज़्यादा सिक्योर और सरल प्रक्रिया थी इस तरीके की? हाँ, खरीद बिल्कुल सरल थी, और इसमें हम लोगों को 2.5% कमीशन भी मिलता था।
तो अभी आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, तो अभी खरीद का लोग चल रही है नहीं चल रही है? नहीं बंद है खरीद, हमारे यहाँ 1 नवंबर से स्टार्ट होती है, क्योंकि अब आपकी हम लोग बिल्कुल सक्षम नहीं है कि सरकार का काम करना। राइस मिल एसोसिएशन ने ये मान लिया है, ये कहा लिया है कि लोग इस बार खरीद करो नहीं करो। अच्छा, जब किसान अपनी मर्जी से आपके पास बेचने के लिए स्वतंत्र आड़त के लिए, तो क्या आप पूरे साल भर में कभी भी खरीदते थे? नहीं, नहीं, समय उसका टाइम था 1 नवंबर से 28 फरवरी तक। तो अब ये जो 1 नवंबर से 28 फरवरी का समय है, ये सरकार के क्रय विक्रय केंद्र पर उस पर भी लागू है? उस पर भी लागू। तो अभी तक का आपका अनुभव क्या रहा है कि 3-4 सालों में खरीद फरोख कैसी रही है केंद्र पर? खरीद फरोख तो चल ही रही है केंद्र पर, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे राइस मिल पर पड़ रहा है। राइस मिल क्या बंद कर रहा है? एक तो टर्न ओवर खत्म हो गया बैंक से, सीसी वगैरह जो है टर्न ओवर नहीं हो पा रहा है, वो सब एनपीए होते जा रहे हैं खाते। सबसे बड़ा फर्क तो ये है। दूसरा, पहले रिकवरी हो जाती थी चावल में, अब हाइब्रिड धान आ गए हैं मार्केट में, तो रिकवरी हो गई है 50 से 60%। ठीक है, तो हम लोग एक तो यही है सबसे बड़ी समस्या। लेकिन इसका अगर निर्णय की दूसरी भाषा में सवाल करें आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि पहले आप किसानों से खरीदते थे, यानी किसानों की पैसा पहले आप देते, आपका पैसा बांट रहा था। अभी जब क्रय विक्रय केंद्र खरीद रहे हैं, तो आपका पैसा तो अब जा नहीं रहा है किसानों के पास? नहीं, अब हमारा पैसा नहीं जा रहा। अब उनकी तरफ से आपके पास धान आता है और आपकी तरफ से? उनकी तरफ से धान आता है सरकारी क्रय केंद्र से, उस पर हम लोग 67% चावल तैयार करके FCI को सप्लाई करते हैं। सप्लाई उस पर हमको 10 रुपये क्विंटल उताई बाई का मिलता है। लेकिन इस बीच में ये तो मान लेते हैं कि चलिए प्रक्रिया में सरकार ने अपना एक सिस्टम बनाया, ऐसे कितने किसान होंगे अंदाजन, अगर हम 100 में बात करें, 5, 10, 15, 20, जो आज तक क्रय विक्रय केंद्र तक जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते? अब भाई जिनके पास संसाधन नहीं है ले जाने के लिए, ट्रैक्टर ट्राली नहीं है, वो नहीं जा पाते। मतलब अंदाजन कितने होंगे आपके? अंदाजन लगभग 40% होंगे। मतलब 40% लोग ऐसे हैं जो चाह कर भी अपना अनाज नहीं बेच पा रहे, तो क्या वो लोग आपके पास आते हैं अभी बेचने के लिए? हमारे पास आते हैं तो हम लोग MSP से नीचे खरीद नहीं सकते हैं, हम लोग खरीद ही नहीं पाते हैं। मतलब आप भी असमंजस में हैं? हाँ। क्या कहें कि आप खरीदने की क्षमता है लेकिन खरीद नहीं सकते? खरीद नहीं सकते, खरीद के फिर ले कहाँ जाएंगे? तो अभी क्या मांग है अगर सरकार से आप बोलना चाहें, क्योंकि आप भी एसोसिएशन में जिला स्तर पर एक पत्र है, अध्यक्ष है, तो अगर आप सरकार से 2 शब्दों में बोलना चाहें कि यह किसान की कैसी काम हो सकता है, तो आप क्या मैसेज देंगे? एक तो हम चाहेंगे कि आड़त खरीद जैसे चलती थी आड़त खरीद कर दिया जाए, और जैसे केंद्रों पे खरीदा जा रहा है ऐसे हमसे खरीदा जाए, जिससे हम लोगों का टर्नओवर भी हो सके बैंक को, और किसानों को भी सुविधा मिलेगी, वो चाहे 5 क्विंटल धान लाएँ और चाहे 10 क्विंटल लाएँ, हम लोग सीधे MSP से उनको पैसा देंगे, और हमारी कुटाई को जो है 10 रुपये से MP सरकार ने 250 रुपये क्विंटल कर दिया अभी जल्दी, और कम से कम 250 रुपये क्विंटल हो जाए तो हम लोग बिल्कुल जो है सरकार के साथ काम करने के लिए एकदम तैयार। मतलब आपको लगता है कि UP से ज़्यादा अच्छा बिल्कुल सरकार MP में 250 रुपये क्विंटल मिल रहा है लोगों को? ये निर्गति थे जिन्होंने अपनी साबुन से बात रखी, और इसमें आप समझ सकते हैं कि खेल कहाँ है सरकार की तरफ से, आम जनता की परेशानी और इन राइस मिलों के पीछे कस्टमर्स की स्थिति ना जाने पड़ी।